हमको चाहिए सिर्फ से सिर्फ लोकल चाहिए, न लीडर साहिबान जो आ रहे हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं तो मेहरबानी करके अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े, हमारे लोगों का निरादर ना करें, हमारे लोगों की एक बेइंसाफी होगी उनके साथ, क्योंकि लोकल क्या एक लाख अगर वोटर हो सकता है तो उसमें नुमाइंदा एक बंदा भी नुमाइंदा नहीं है। सर मेरा नाम जसपाल है, मैं गांव सत्यालदा का एक्स सरपंच हूँ, ब्लॉक घोड़ी से हूँ, और आज का हमारा मेन मकसद यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि हमने कई दफ़ा पहले भी बीजेपी का कार्यालय तक संपर्क किया कि हमारे चनैनी घोड़ी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हमको लोकल कैंडिडेट की जरूरत, लोकल कैंडिडेट चाहिए, लेकिन हमें आज सुनने को मिला है कि अब वो लोकल कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं। उसके मद्देनज़र हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिस तमाम लोग जो मेरे पास साथ बैठे हैं, सरपंच लाड़ के हैं, सरपंच अपर बरमीन के हैं, सरपंच लोअर बरमीन के हैं, बीजेपी के चंद्रकांत जी सरपंच कौड़नाला के हैं, और जितनी भी हमारी टीम है बीजेपी के कुछ प्रेसिडेंट हैं, कोई एसटी मोर्चा के, कोई कुछ मंडल के, कोई एससी के, कोई ओबीसी के, तो हमारा मेन मकसद यही है कि जो बीजेपी को हम सुनने र्यूमर जो चल रहा है कि बीजेपी जो आउट ऑफ हमारे कैंडिडेट जो चरणी गोडी से ने उनको टिकट दे रही है, मैं आपको एक पूरी तफसील से जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जब से आज़ादी हमको मिली है तब से लेकर आज तक जो है हमारी चरणी गोडी कंस्टिट्यूंसी को बाढ़ का कैंडिडेट मिला है। पहले सबसे पहले जो है पंडित देवी दत्त जी हमारे जो चरणी गोडी में एमएलए रहे, उसके बाद हीमराज जी वो भी बाहर के थे, उसके बाद आए भीम सिंह जी थे वो भी बाहर के थे, उस कंस्टिट्यूंसी के नहीं थे, उसके बाद जशपा खजूरिया जी आए वो भी बाहर के आए, उसके बाद पृथ्वीराज जी आए वो भी बाहर के आए, फकीरनाथ जी आए एमएलए वो भी बाहर के, उसके बाद कृष्ण चंद भगत जी आए वो भी बाहर के आए, तो उसके बाद दीनानाथ भगत जी जो 2014 की बात करूं वो जीत के आए, वो भी चनैनी घोड़ी के वोटर नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी आला अधिकारियों से, क्या हमारे कंस्टिट्यूंसी में 1 लाख के वोटर है, क्या उसमें एक भी कैंडिडेट के लायक नहीं है जो हमारी लोगों की जो है मतलब एक भी मतलब उसके एमएलए के काबिल नहीं है? तो जो रोष लोगों में है बरकरार बना हुआ है, लोग बार बार लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं कि इस बार अगर आप ये फैसला लेते हैं, अगर लोकल कैंडिडेट को आपने मैंडेट नहीं दिया, नहीं अगर टिकट दी आप किसी को दे दीजिए, चाहे दलित को दे दीजिए, चाहे किसी हरिजन को दे दीजिए, चाहे एससी को दीजिए, एसटी को दीजिए, ओबीसी को, जिसको मर्जी दीजिए, महिला को दे दीजिए, बहुत से कैंडिडेट हैं हमारे कंस्टिट्यूंसी गर्चनी गोडी में उनको दे दीजिए, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ से सिर्फ लोकल चाहिए, नहीं तो हम जो आगे की प्रक्रिया जो जितनी भी हमारी वाम है उन्होंने एक मन बना लिया है, अगर लोकल कैंडिडेट को हम हमारे लोकल को अगर वोट नहीं आपने नहीं मैंडेट दिया तो अगले वाला अगला समय क्या होगा वो विचार करके लोग जो इस पर तय करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ जो इतने हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष जो अरविंद जी, हम सारे बीजेपी के मतलब एक बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई 40 साल से कोई 50 साल से जुड़ा हुआ है, हम नहीं चाहते कि बीजेपी से हम बाहर जाएं, लेकिन अन्यथा अगर हमारी बात को नहीं सुना, अगर हमें वोट पाने का अधिकार है तो हमारे कैंडिडेट चुनने का भी अधिकार है। तो हम स्पष्ट शब्दों से इनको कह देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारी बात को गौर से सुने और हमारा जो लोकल कैंडिडेट को मैंडेट दे दीजिए ताकि हम भरपूर तरीके से उनको जिताकर असेंबली में भेजें। हमारी कंस्टिट्यूंसी कई सालों से बैकवर्ड चल रही है, उसको कोई देखता नहीं है, जो बाहर से आता है एक बार इलेक्शन लड़ता है, दूसरी बार हमको देखने को नहीं मिलता है। जितने भी एमएलए के मैं नाम गिनाया, जो सब ने किसी ने दोबारा मुड़कर चनैनी घोड़ी को नहीं देखा, तो हमारे कि क्लियर कट मैसेज है कि मेहरबानी करके हमारी लोगों की जो फरियाद है आप तक साझा कर रहे हैं उन तक आपने जितने बिल्कुल सर समर्थन क्या मिला, लोग अभी भी इनको बार बार अप्रोच कर रहे हैं कि सर हम इस बार वोट उसी को देंगे जो लोकल होगा, नहीं तो हम नोटा को डालने के लिए मजबूर हैं, जहां फिर देख लेंगे कि अगला डिसीजन क्या लेना है। सवाल नहीं है कि पार्टी हमारी अगर नहीं सुनती है तो हमें भी अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो हमारे नुमाइंदा चुनने का भी अधिकार लोगों के। क्या वजह है कि सर वजह यही है कि हमारा एरिया पिछड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है उधर, कोई नहीं जाता है, सर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। मैं उनको भी तमाम जो लीडर साहिबान जो आ रहे हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं तो मेहरबानी करके अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े, हमारे लोगों का निरादर ना करें, हमारे लोगों की एक बेइंसाफी होगी उनके साथ, क्योंकि लोकल क्या एक लाख अगर वोटर हो सकता है तो उसमें नुमाइंदा एक बंदा भी नुमाइंदा नहीं है, जे लोगों के साथ बहुत से बड़ा धोखा होने वाला है।